देश आज 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसको लेकर पूरे राष्ट्र में जोश और उत्साह है। पीएम मोदी ने छठी बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया, जिसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षा बलों को मिठाइयां बांटी। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज असुरक्षा से घिरी हुई है। दुनिया के किसी न किसी भाग में मौत का साया मंडरा रहा है। भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले से तीनों सेनाओं के सेनापति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद सृजित करने का बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी रिपोर्टों में कहा गया है कि हमारी तीनों सेनाओं जल थल नभ के बीच समन्वय तो है, लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है, ऐसे में भारत को टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की व्यवस्था करेंगे। पीएम मोदी ने लाल किले से स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की अपील की। साथ ही उन्होंने एक नारा दिया, लकी कल के लिए लोकल। उन्होंने डिजिटल पेमेंट को हाँ और नकद को ना करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शेर कश्मीर स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड में हिस्सा भी लिया। राज्यपाल के संबोधन के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने रक्षा जगत की नई चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि नए और उभरते विश्व में युद्ध क्षेत्र केवल जमीन, आसमान और समुद्र तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि ये स्पेस और साइबर क्षेत्र में भी फैल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी लोगों को बधाई दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी देशवासियों को बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पहुंचे। बीती रात उन्होंने आर्मी जनरल अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की।